नमस्ते बच्चों, मैंने आपको डॉक्टर मार्क जो पार्ट है 18 उसके प्रश्न उत्तर करवा दिए हैं। ठीक है, आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। अभ्यास कार्य में प्रश्न 4 देखिए। रिक्त स्थानों में उचित शब्द भरिए, जो खाली स्थान दिए हैं उसमें सही शब्द भरने हैं आपको। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। उन्हें सारा घटनाक्रम याद आने लगा। ठीक है, कैसे उन्हें सम्मेलन में जाना था, कैसे उनके जहाज को इस अनजान शहर में आपात लैंडिंग करनी पड़ी, कैसे टैक्सी के लिए ड्राइवर नहीं मिला और वे तूफान के कारण रास्ता भटक कर यहाँ आ गए। ठीक है बेटा, अब देखिए प्रश्न 5। सही विकल्प पर गोल घेरा बनाइए। इसमें है डॉक्टर मार्क एक प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे। कौन से थे? कैंसर, टीबी, मनोरोग। तो किसके थे प्रसिद्ध विशेषज्ञ? कैंसर के। वे जहाज में जा रहे थे। कौन से जहाज में? पानी का जहाज, वायुयान या हेलीकॉप्टर में। तो किस में कराना पड़ा था? वे पानी के जहाज में जा रहे थे या वायुयान में, हेलीकॉप्टर में। तो कहाँ जा रहे थे? वायुयान में। वायुयान का क्या बोलते हैं? हवाई जहाज। ठीक है, उस औरत ने डॉक्टर मार्क को क्या दिया? काजू दिया, शरबत या चाय पिलाई। तो क्या पिलाई थी? चाय। वह स्त्री क्या कर रही थी? प्राणायाम, प्रार्थना या व्यायाम। प्रार्थना कर रही थी भगवान से, ईश्वर से। ठीक है, उस स्त्री की मुस्कुराहट कैसी थी? छल भरी, उदासी भरी या कुटिलता भरी। तो कैसी थी? उदासी भरी। भगवान डॉक्टर से कैसे लोगों की सहायता करवाना चाहते थे? धनवान, व्यापारी या असहाय। तो किसकी सहायता करवाना चाहते थे? असहाय लोगों की। अब देखिए प्रश्न 6। अलोकित वाक्यों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। ठीक है बेटा, ये बॉक्स जो दिए हैं ये आगे पीछे दिए हैं, तो नीचे वाला कट करके आप ऊपर एक बॉक्स बना लेना। ठीक है, इसमें दिया है चाय की चुस्कियाँ लेते हुए डॉक्टर उस स्त्री को देखने लगे थे। सही, डॉक्टर मार्क ने उन्हें अपनी स्थिति बताई और एक फ़ोन करने की अनुमति मांगी। क्या ये सही? डॉक्टर ड्राइवर मिल गया क्योंकि सभी ड्राइवर समय के पश्चात भी रुके थे। नहीं, उनको ड्राइवर नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने खुद ही ड्राइव किया था, अपनी कार चलाई थी। ठीक है, टैक्सी जो ली थी उन्होंने। उड़ने के 2 घंटे बाद उनके जहाज में कुछ तकनीकी खराबी आ गई। सही, डॉक्टर मार्क को पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कोई जल्दी थी? नहीं, जल्दी थी उनको। ठीक है ना, तो बेटा ये अभ्यास कार्य जो है आपको अपनी बुक में करना है। नमस्ते बच्चों।